तो फ्रेंड्स ये रहा आकाश फिर से, पिछली बार उस तरफ 22 नंबर पर और अब की इस बार कंडीशन सेम। तो फ्रेंड्स क्या समझाएं आजकल के बच्चों को, क्या प्यार क्या व्यार, मुझे तो कुछ समझ में इतना आता नहीं है। और ये बच्चे अपने मम्मी पापा की बिल्कुल सुनते नहीं हैं, जिन्होंने पैदा किया उनका नहीं सुन सक रहे हो यार, तुम क्या हो, वो भी तुम्हारी शादी तो कराएंगे ही कराएंगे, क्या शादी के चक्करों में पागलपंती करनी है, राम जाने क्या होगा। अभी भी मिल के आया हूँ, वैसे डॉक्टरों से बात की, ठीक है खतरे से तो बाहर है, लेकिन ये शायद इसका दूसरा अटेम्प्ट है, तो आप सोच लो अब पुलिस वालों की कंप्लेन तो हुई है। हालांकि ये पूरा मैटर इसके घर पर ही हुआ, हॉस्टल पर नहीं हुआ, पिछली बार हॉस्टल पर हुआ था आप लोगों को पता हो तो, इस बार यहाँ हुआ है, इसीलिए कल वीडियो लेट आया रात को, क्योंकि मैं यहाँ था रात को। इनका कॉल आया जब मैं हॉस्टल ही था, हॉस्टल में अपना काम फ्री कर रहा था, डॉग्स को खाना खिलाना ये वो सब कुछ, अचानक फ़ोन आया और थैंक्स फिर से रॉकी वालों का कि टाइम पर यहाँ पर हमारे हो गया, और भगवान की दया से डॉक्टर ने कहा अभी ये खतरे से तो बाहर है। लेकिन ये बहुत गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए यार, बातों से हल निकल सकता है, और बातों से अगर हल नहीं निकले तो उस चीज़ से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ, महीना दो महीना छः महीना बीतेगा फिर अपने आप ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर क्या है बच्चों का तो कुछ कह नहीं सकते। चलो चलते हैं हॉस्टल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो बर्फी पूरी नाइट बाहर ही था आगे की तरफ अकेला, और फिर मैं आया मॉर्निंग में तो 5:30 बजे आया था मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल नाइट में मैं तो हॉस्पिटल गया हुआ था आकाश के उधर, और पीछे गोविंद कह रहा था कि ये जो ब्रूनो है ये विस्की वाले केज के अंदर की तरफ चला गया था मुंह नीचे करके, तो विस्की ने मुंह पर बाइट किया, क्योंकि इसकी भी आदत है वो झगड़ने की, किसी भी डॉग पर झगड़ने की इसकी ऐसा है। या जब फर्स्ट डे आया था तो भी आते ही जर्मन को धोना स्टार्ट कर दिया था खाने के चक्कर में, आपने देखा था अभी दो तीन महीने पहले की बात है। तो इसको हल्की एक बाइट लगी है फेस पर, मैं दिखाता हूँ, देखो ब्रूनो ब्रूनो ना इसके, कल ये बाहर ही था ब्रूनो, और मॉर्निंग में आगे की तरफ वो था बर्फी, बर्फी जो कि इंडियन ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है। ब्रूनो क्या स्मेल कर रहा है, कम हियर, ये देखो इसके फेस पर लगी हुई है, ऊपर देख फेस ऊपर का, ये देखो ये आँख के पास दिख रहे हैं आपको, हल्की सी चोट लगी है देखो, पर ये खुद ऐसा लड़ाकू है, करे क्या, खुद ही जाके उसके पिंजरे के अंदर घुसा, इसमें इसी का फॉल्ट था, एक आंख पर पास हल्की चोट आई है, मलहम लगा देंगे और एंटीबायोटिक और हल्की घाव सूखने वाली टैबलेट भी दे देंगे। ब्रूनो बाहर की तरफ देख रहा है, हल्का सा फेस भी सूजा है ब्रूनो का, क्योंकि फेस पर बाइट लगी है, कम हियर, ये देखो ऊपर देख, ऊपर देख पहले, ये देखो देख रहे हैं यहाँ फेस के इस तरफ यहाँ और यहाँ लगी है, बाकी कहीं नहीं है, लेकिन ये अपना फेस को हाथ लगाने देता नहीं है, अब कैसे ना कैसे करके आँख के पास थोड़ा सा मलम लगाया जाएगा और खाने में टेबलेट दे दी जाएगी, ये एक नॉर्मल चीज़ है, कभी कभार झगड़ा हो जाता है तो हम लोग वीडियो में आप लोगों को शो कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और जो सीन हुआ वो आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। अब छोड़ दिया गया इस भीड़े को, आज इसको भी साथ में छोड़ा गया है, नो लौकी को, लौकी को मिलना नहीं आ रहा, सब पर गुस्सा कर रहा है, बाल खड़े कर लिए हैं, ये देखो किस पर हमला करो, किस पर समझ में नहीं आ रहा, देखो इसीलिए इनके बच्चों के साथ छोड़ा है, क्योंकि अगर अल्फा मेल को ऐसा लगे, विस्के रुक जा अभी बारी आएगी तेरे, इतना तूफान जैसा खेल रहे हैं ये लोग, दो इधर मस्तियां कर रहे हुए, दो इधर और दो इधर, वो अकेला, पहले ब्रूनो सब पर हमला कर देता था, ऐसा कोई भी थोड़ा बहुत ऐसा करता था तो ब्रूनो हमला कर देता था, अब ब्रूनो को खेलना आ गया है, और अगर बाय द वे हमला कर भी रहा होता तो हम रोक देते हैं, रुक जाता है, ए ब्रूनो हमला नहीं करने का, देखा थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता था हमला करता है, मैं सोच रहा हूँ ये ब्रूनो से ना उलझे, हाँ ये तो
क्योंकि फिर ब्रूनो के साथ अगर इसने किया और फिर घुराया तो फिर वो थोड़ा इसको सबक सिखाएगा ही सिखाएगा। वो सबक सिखाना भी इसके लिए ठीक ही है क्योंकि हर किसी से ये एक ही नीचे से मिलता है तो वो गलत है, वो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये देखो फुल मस्ती खोर, इन दोनों की इतनी बनती है मोगली की और आर्सन की, दोनों इतने बनती है पूछो मत। इन दोनों चिंकड़े खेले ना, क्या भोग रहा है, इसके पास जा जो तुझे समझाई है। इन पूरों में इससे सिर्फ ब्रूनो समझा सकता है और एक चिंकी, चिंकी समझाएगी तो समझ में आने वाली है, ब्रूनो समझाएगा तो बाइट लग सकती है। और इसे देखो सरी, और इन देखो ये तो अपने से ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। चिंकेड़े लूफी भी फुल मस्तियां करता है इधर, लूफी फुल मस्तियां जितनी इससे हो सके पॉसिबल उतनी मस्तियां करता है यहाँ, फिर मस्तियां करनी ही चाहिए। ये गिराया, ये उल्टा पूरा गंदा, वहां वो तक वो मस्ती है। इसको तो पूरा गंदा करने के लिए इसका खिलौना है रे। इसे खेलना बिल्कुल नहीं आता, गुर्राता रहता है वो करके, इसलिए इसको बच्चों के साथ ही छोड़ सकते हैं, सबके साथ नहीं। इतनी देर था खेलने के बाद प्यास लगी, फ्रेंड्स विस्की को यहाँ छोड़ रखा है, विस्की बाहर आने का बोल रहा है, यहाँ इस तरफ कोई नहीं है, वहां पर एक है बस, और ये वेट कर रहा है बाहर आने का। यहाँ कल नाइट को फाइट किया तो तुम्हें मारो किसको उसको हैं गुस्सा, तो ये इस तरफ घूमेगा। अब सब डॉग चिंकी को परेशान करने लग गए बहुत ही ज्यादा, सब और चिंकी परेशान हो गई। एक बार तो इसको बाइट लगाया तो भी ये सुधरा नहीं है, इतनी जोर की बाइट नहीं थी पर फिर भी सुधरा नहीं, कितना परेशान कर रहा था चिंकी को। और एक नहीं सबके साथ सबके साथ। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है मैगी को, शेरू को क्या बोलते हैं, रॉकीडे को, हैंगरी को, स्पॉटा को और चीना को। ये तो आते मस्ते में लग गया, स्पॉटी इधर उधर घूम रही है, नौ खुशड़ी नौ खुशड़ी नो खुशड़ी नो बोला ना, शेरो तेरी बारी आएगी रुक जा। कैसा देखती है, गुस्सा देखना इसका, ये बता ये यहाँ लोट पोट हो रही है। रॉकी ये कोई सुसु करने की जगह है रे, ढिंडुड़ा फ्रेंड्स। अब छोड़ दिया गया है शेरू को, शेंकी को, डुगू को, विस्की को, जूही को और माइलो को। और साथ में है मैगी और खुशी। ये
ये विस्की हो गया दीवाना। अब ये जो खेलेगा ना हर किसी को पंजा मारने का, ये मैगी अपने में लगी हुई पड़ी है, ये ऐसा ये फ्रेश होने में। शैंकी जो कि लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखा है, शेरू जो कि लैब्राडोर रॉटविलर है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है, ये यहाँ गंदे होने आ रखा है विस्कीड़ा सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल पर। ये इसके ऊपर ही गिर रहा है, ये तो पता नहीं है। हाँ सेंकड़ा चलो खेलो, ना ये ले, ये गलत जगह सोच रहा है। अब ये जब इसके ऊपर मैटिंग के लिए चढ़ेगा तब हो सकता है माइलो को मार पड़े। हाँ इसके साथ मस्ती कर, कुछ भी नहीं होने वाला है। बाहर कोई आया है तो जूही और मैगी बार बार ना, कौन है ऐसा ना जुड़ा, वो नहीं मिला तो किसी पर हमला करेगा, कौन है बाहर? डॉग आया भाई क्या? बाहर कोई अपने डॉग को घुमाने आया है जो कि हस्की ब्रीड है इसलिए वो सारे डॉग अब ऐसा कर रहे हैं। अरे पीछे जा, वो रॉकी वगैरह चिल्ला रहे हैं। नो आकाश से मेरी अभी बात हुई, आकाश अभी ठीक है और कतरे से तो बिल्कुल बाहर है, पर ये जो भी किया बेकार है, गलत है। कितना भी कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी इसने ऐसा किया था तब बहुत समझाया था, मैंने समझाया था, आप लोगों ने भी बताया था और उसने खुद ने भी अपने मुंह से बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो, लेकिन देख लो कुछ ही समय बाद फिर से सेम रीज़न लड़की के चक्कर में। क्या पता क्या दिमाग में बसा है उसके, बस शादी करा दो शादी करा दो, इसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझ रहा। ये तो सोचता ही नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में अभी शादी करने की ज़रूरत कहाँ है। दूसरा शादी होगी होगी जबकि होगी, उसके लिए तू आत्महत्या थोड़ी कर सकता है। इतने माँ बाप को बड़ा किया है तेरे को, इतनी मेहनत की है और उनका जीव उनको ही पता है क्या है, और बार बार तू इस टाइप से करेगा तो कैसे चलेगा। पर समझदार को समझाने के बाद भी जब उसकी गृह दशा ख़राब हो तो उसे कुछ सही चीज़ भी समझ में तो आती नहीं है, फिर ये वाले इस टाइप के सीन होते हैं। भगवान उसको सब बुद्धि की दे, थोड़ी अक्ल दे और माँ बाप का थोड़ा, माँ बाप के लिए थोड़ा दया दृष्टि उसमें और ज़्यादा पनपे, ऐसी दुआ करेंगे। ये लो ये पागल हो गया, आप देख रहे हो इसका पागलपन देख रहे हो ना। अब डुगुड़े को देखना, डुगू भी ऐसा ही कूदता है, माइलो अपने में लगा हुआ है, बाकी कुछ डॉग फ्रेश हो रहे हैं अभी, ये इनका प्ले टाइम है। नो शेंके बाद में प्यार करूंगा, बट टुडे बाद में प्यार करूंगा, बट टुडे बाद में प्यार करूंगा मैं। जाओ जाओ शेंकुड़ा, जाओ शेंकुड़ा, जाओ खेलो शेंकुड़ा। लो विस्की को देखो, नो कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो फ्रेंड्स अब सबको देना स्टार्ट कर दिया है, पहले ना जाके उसमें ये, हाँ जा चल ठीक है, इंडियन ब्रीड को रख दे, हाँ ये किसी को पास में रख दे, रख दे रख दे, जा 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 फटाफट फटाफट सबके पास रख दो, दबा दो सबके पास, पास रख के आया हूँ मैं तो सबके पास जा जा रख दे। इन सबके पास ये पड़ा, अभी डालना स्टार्ट करेंगे ना। ये इनको अंदर डाल देते, अंदर ये दो प्याले और लेके आए, इसके अंदर डालो। चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर, नहीं रॉकी नहीं बाहर भी लेके, उनके चार चार है तो चार प्याले पहले ही लेके जाऊँ, मैं भी आता हूँ। रुक
उसने फिनिश कर दिया। शैंकी पूरा फिनिश करो, एंग्री एंग्री जल्दी फिनिश करो। ये ले, गिराया तो नहीं? नहीं गिराया नहीं, पी रहा है रॉकी, पी रहा है एंग्री पी रहा है, और एक प्याला अंदर पड़ा रहेगा, ये दोनों पी ही लेंगे। चिन्ना ने थोड़ा टेस्ट तो किया है, स्पॉटी ने बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, चिंकी ने अभी तक साफ नहीं किया पूरा। जा विस्की कैन बाहर, मैगी कुछ कैन ले जा। इसकी एक बहुत गंदी आदत है, ये फ्रेश खाता है अंदर, इसलिए इसकी बॉडी भी नहीं बन रही है, फ्रेश खाता है ये। आज ही मैंने इसे रंगे हाथे पकड़ा है। नो, इसने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, जिनके भी खत्म हो गए और डाल देना भाई। यहाँ ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आज ऑलमोस्ट सबने पिया है। ये था आज का अपडेट, मिलते हैं शाम को न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।